नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंट ईयर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एचसीएस का नोटिफिकेशन है 2018 के लिए, वो आ गया है। और ये नोटिफिकेशन मतलब कि एचसीएस की वैकेंसी है 4 साल के बाद निकली है। 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली थी एचसीएस की, तो लोगों ने बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा वेट किया इसका। और अब जाकर काफी वैकेंसी निकली है, 166। पिछली बार जो निकली थी 2014 में वो थी 55 वैकेंसी थी। तो आप बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वैकेंसी है ये। अगर आप इन वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो एचपीएससी की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, hpsc.gov.in। वहां पे जाकर जाएंगे आप, तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगी। तो उस एडवर्टाइजमेंट से जो मैंने पूरा ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वहां से बना रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, जिससे कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है, ये 2 तारीख से सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, 2-3 तारीख से। और क्योंकि ये 1 महीने के आसपास चलेगा, तो आप जितना जल्दी हो भरने की कोशिश करें। इस एग्जाम को समझते हैं कि क्या इसमें आने वाला है और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और फ्रंट ईयर आईएएस आपकी इस तैयारी में कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे किस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पहले कब कब कंडक्ट हुआ है, इसी से आप इसकी इंपोर्टेंस समझ सकते हैं कि 2003 में हुआ था, 2004 में हुआ था, फिर 5 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ एचसीएस का, फिर 2 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ एचसीएस का, फिर 2011 से 2014 3 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ, और अब 2018 में मतलब कि 4 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वैकेंसीज हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और अपना स्टेट चाहते। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि अगर ये मिस हो जाता है तो हो सकता है अगला एग्जाम एचसीएस का 2 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है या हो रहा है, लाइव होगा वो 2 अगस्त से होगा, और इसकी आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो होगी 4 सितंबर। मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर आपको ये अप्लाई करना है। तो ऐसा ना हो कि किसी को पता नहीं चले या पता चल जाए तो वो अप्लाई करने में देरी कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कई एग्जाम तो होते हैं 1 साल में 2 बार होते हैं या फिर हर साल होते हैं, ये उनमें नहीं है, इसलिए बहुत स्पेशल एग्जाम है। और क्योंकि जैसे यूपी में यूपी पीसीएस होता है, हरियाणा में हरियाणा एचसीएस या एचपीएससी का एग्जाम होता है एचसीएस के नाम से, और ऐसे राजस्थान में आरएएस का होता है, तो इसलिए ये एग्जाम काफी बड़े लेवल का है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अक्टूबर में, हालांकि डेट अभी नहीं दी है एचपीएससी ने, लेकिन ये अक्टूबर में होगा, हो सकता है मिड में हो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी ही एग्जाम ये कंडक्ट होने वाला है, अगले 2.5 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। मेंस का एग्जाम है फिर अगले 2 महीने में, इसके बाद 2 महीने में हो जाएगा, और इंटरव्यू है फिर आगे 3 महीने, मतलब कि मार्च 2019 तक। बोल सकते हैं कि जब इलेक्शन होगा 2019 का, उससे पहले ये एग्जाम इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा। ये सरकार की कोशिश रहेगी, एचपीएससी की भी कोशिश रहेगी, हालांकि एचपीएससी एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में 166, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है कि जो सिविल की वैकेंसी होती है एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। एसडीएम बनने वाली जॉब कितनी है, 48 जॉब है, 48। और डीएसपी पुलिस वाली कितनी है, 7 है। और बाकी जो अलाइड सर्विसेज होती है जैसे ईटीओ है, या बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे जो तहसीलदार है या फिर तहसीलदार एक तो है, वो ये ए क्लास तहसीलदार है, दूसरी नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकली थी पहले, उसका इन वैकेंसीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एचसीएस के अंतर्गत नहीं आती थी, वो नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकली थी। तो ये कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं, ये बीडीपीओ है जैसे कि, कुल मिलाकर 166 है, उसमें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 104, एससी कैटेगरी है 33, बीसी है 21, BCA, BCB है 8, उसके बाद एक्स सर्विस मैन 7 और स्पोर्ट्स रिलेटेड 5। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं, और पीएच कैंडिडेट है वो है 6 कैंडिडेट। जो हरियाणा के अलावा बाहर राज्यों के एप्लीकेंट होते हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, और रिजर्वेशन है उस स्टेट से रिलेटेड रिजर्वेशन होती है, जैसे बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होता है। अब वो अप्लाई कौन कर सकता है, जिसकी एज 21 से लेकर 42 साल हो, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो बाकी जो कैटेगरी है रिजर्वेशन वाली उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन और भी है। एज है
वो आपकी 1 तारीख 1 जनवरी 2018 से काउंट होगी, मतलब कि 21 साल आपकी कम से कम एज और मैक्सिमम एज 42 इयर्स होनी चाहिए। और जहां तक डीएसपी का सवाल है, क्योंकि पुलिस वाली वैकेंसी होती है उसमें थोड़ा फिटनेस और बाकी चीजें भी चाहिए होती है, तो 21 से 27 साल उसमें एज है डीएसपी वाली, और उसमें 5 फुट 7 इंच बॉयज के लिए और 5 फुट 2 इंच गर्ल्स के लिए हाइट भी चाहिए। एजुकेशन जहां तक सवाल है, कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो MBBS है, BDS है, BA है, BBA है, होटल मैनेजमेंट है ग्रेजुएशन, BTech है, या किसी भी तरह का ग्रेजुएशन, BSc है, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन है, लेकिन वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसकी ग्रेजुएशन 4 सितंबर 2018 तक उसकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। मतलब कि ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ए से रिलेटेड है बाकी, या कोई दूसरे जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वगैरह से, वो 4 सितंबर से पहले के होनी चाहिए, मतलब तब तक ये आखिरी डेट है वैलिडेशन की। अप्लीकेशन फी 1000 जनरल कैटेगरी के लिए है, फिर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 250, और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 250, और पीएच के लिए उनके लिए कोई फीस नहीं है, ये अप्लीकेशन फीस है। इसके लिए आपको ब्रोशर भी मिलेगा साथ में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस, देखो 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। पहला एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस का एग्जाम होता है, वैसे ही सिविल सर्विसेज का, हरियाणा के एचसीएस का एग्जाम होता है, ऐसे ही राजस्थान का होता है आरएएस का। तो प्रीलिम्स है उसमें 200 मार्क्स का होगा, मेंस का एग्जाम है वो 400 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स का होगा। इस एग्जाम में कोई ज्यादा, जैसे एक बार पहले 2016 में एचपीएससी ने नोटिफिकेशन दी थी जिसमें सी सेट इंक्लूड किया गया था, और इस एग्जाम में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम बात करें 166 पोस्ट की, तो प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट होंगे वो लगभग पिछले साल 76,000, पिछली बार है 76,000 के आसपास अप्लाई किया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार 1 लाख से 2 लाख के बीच में, या काफी ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इतने कैंडिडेट अप्लाई करने की संभावना प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया जाएगा, मतलब एचसीएस का फॉर्म भरेंगे। और मेंस में जितनी वैकेंसी है उसका 12 टाइम्स, मतलब कि लगभग 2000 कैंडिडेट हैं वो मेंस में पहुंचेंगे, और इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लगभग 500 कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में जाएंगे और फिर 166 पोस्ट में सिलेक्शन होगा, मतलब कि 12 टाइम्स और 3 टाइम्स इंटरव्यू में, 3 टाइम्स मेंस में, 12 टाइम्स। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 लाख के आसपास में से 2000 कैंडिडेट, मतलब 2% कैंडिडेट का मेंस में सिलेक्शन होगा। तो आप बोल सकते हैं अप्लाई दुनिया करेगी, सीरियस प्रिपरेशन करने वाले काफी कम लोग होते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का जहां तक सवाल है, वो जो अक्टूबर में होने वाला है, इसका मतलब आपको मेंस की तैयारी भी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मेंस की तैयारी भी आपको होनी चाहिए साथ साथ में, और मेंस में बताएंगे क्या क्या आता है, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली 2 महीने का एग्जाम होगा, 2 महीने बाद एग्जाम होगा, और उसमें 2 सब्जेक्ट भी होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये एग्जाम है काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है आपका, और बहुत ही शार्प आपकी फोकस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब आता है प्रीलिम्स में क्या आएगा, देखो 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में। हालांकि जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने अभी प्रोस्पेक्ट्स देखा नहीं है, और प्रोस्पेक्ट्स में हो सकता है कोई प्रोस्पेक्टस में कोई नई चीज उसमें डाल रखी हो, लेकिन इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पहले ही जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन पहले डिक्लेयर किया जाता है कि कोई चेंजेस महत्वपूर्ण होने हैं, तो ताकि स्टूडेंट को बाद में दिक्कत ना हो, तो इसलिए जो नोटिफिकेशन पहले ही 2016 में आ गया था, और वो एक किस्म से पूरे रूल्स में अमेंडमेंट करना होता है, तो इसलिए सी सेट की घोषणा है वो बहुत पहले हो चुकी है, इसके अलावा कोई चेंजेस की संभावना नए के बराबर है। तो 1 या 2 दिन में आप, जब आपके पास ये ब्रोशर मिलेगा, आप उस ब्रोशर में देखकर, प्रोस्पेक्टस में देखकर और ज्यादा डिटेल भी जानकारी ले पाएंगे। जहां तक जीएस का सवाल है, जीएस के 100 मार्क्स का होगा, और सी सेट जो दूसरा पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी 100 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 100 आएंगे, और ऐसे ही सी सेट का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रीलिम है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं होंगे, मार्क्स जिसके काउंट होते हैं फाइनल मेरिट में वो होंगे मेंस के और इंटरव्यू के। तो ये जो, लेकिन इसको क्वालिफाई करना, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनफैक्ट यही सबसे टफेस्ट काम होगा, इसमें आपकी छोटी मोटी गलती है आपको बाहर कर सकती है एग्जाम में। ये नोटिफिकेशन, ये पहले अमेंडमेंट था जो नोटिफिकेशन आया था 5 मई 2016 को, जिसके मुताबिक सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब एचपीएससी ने पहले ये बता दिया था, और जो पहले स्कीम थी वही स्कीम है, अब है 200 मार्क्स वाली, 600 मार्क्स वाली और 75 मार्क्स वाली, और कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है।
अब देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसमें जनरल स्टडी का तो एग्जिस्टिंग सिलेबस बता दिया, जो नोटिफाइड सिलेबस होगा उसके मुताबिक है। जो सीसेट का सिलेबस है ना, वो बिल्कुल जो आईएएस यूपीएससी का सिलेबस होता है वो सेम कंटेंट है इसमें रखा गया है। हालांकि एक्चुअल में आप कोई भी चीज है वो सिलेबस को देख कर इतना अंदाजा नहीं लगा सकते जितना उस पेपर को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए जहां तक सवाल है जनरल स्टडी का, उसमें सिलेबस में कुछ कई चीजें लिखी होती है, वो एक्चुअल में जब पेपर आता है वो थोड़ी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर इसका एग्जाम हो। तो इसलिए जो पिछले साल पेपर, पिछली बार पेपर आया, एक बार उसको देखें और आईएएस वाले में, यूपीएससी वाले में सीसेट वाले पेपर को देखेंगे, इससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या आता है, वो आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सीसेट वाला जरूर बता देता हूं मैं। अगर 100, जैसे उसमें यूपीएससी में तो 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर इसमें 100 आ रहे हैं, 100 आएंगे या जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लगभग 30% के आसपास कॉम्प्रीहेंसिव का काफी ज्यादा रोल होता है। उसके बाद रीजनिंग है, मैथ है, मैथ का रोल होता है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, इंग्लिश वाले भी होंगे, मतलब कि उसकी हिंदी भी होगी और साथ में इंग्लिश भी होगी। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब कि पजल वगैरह की बात कर सकते हैं आप, या जो थोड़े हाई लेवल के रीजनिंग होती है उसकी बात कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं ये किस्म से यूपीएससी पैटर्न पे है, या आप बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों को मिला दिया जाए तो उसका एक कम्बिनेशन मोटे तौर पे बन रहा है। इसका जब फ्रंटियर आईएएस की जो टेस्ट सीरीज होगी, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएंगे, उससे और ज्यादा आपको आइडिया होगा किस तरह से आ सकते हैं, और वास्तव में पता तब चलेगा जब रियल एग्जाम होगा। ये दोनों ही पेपर है वो मल्टीपल चॉइस होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। पहले पेपर है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आते थे, काफी स्टूडेंट ने विरोध भी किया, उसके बाद अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, ये नोटिफिकेशन में जो 2016 का रूल चेंज हुए हैं उसमें बताया गया है। और हर पेपर है वो 2 घंटे का होगा और 2.25 है नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देख लेते हैं मेंस, मेंस में कोई बदलाव है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए पेपर 100 मार्क्स का, पेपर 200 मार्क्स का होगा। ये एक हिंदी का पेपर होता है, ये इंग्लिश का पेपर होता है। मोटे तौर पे यूपीएससी में इसमें क्या फर्क है कि वहां पे वो दोनों पेपर वो क्वालिफाइंग होते हैं, यहाँ पे मेरिट काउंट होती है, मेरिट काउंट होगी। तो जैसे कि यहाँ पे 200 नंबर जो पेपर थे, दो पेपर थे, उनकी भी मेरिट काउंट हो रही थी दोनों की, जबकि यूपीएससी में क्या है कि वो एक एलिजिबिलिटी पेपर था, यहाँ पे मेरिट के हिसाब से चल रहे हैं, एलिजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है एचसीएस में। पेपर 3 है और जनरल स्टडी का होगा, उसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 4 और 5 दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, एक लिस्ट होती है, 23 सब्जेक्ट होंगी सब्जेक्ट की, उसमें से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो वो आपको लेने पड़े। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बीटेक होते हैं या साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, और वो आमतौर पे सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरह के सब्जेक्ट लेते हैं, या ये कोई जरूरी नहीं है। देखो अभी इस बार क्या है कि प्रीलिम्स में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सीधा सीधा लिंक है वो मेंस के साथ में है। और ये जो नोटिफिकेशन है अमेंडमेंट वाला 2016 वाला, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं, वो आप थोड़ा नोट भी कर सकते हैं साथ में। द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ कन्वेंशनल या एसे टाइप। जो मेंस का एग्जाम होता है वो हमेशा राइटिंग वाला होता है, लिखने वाला होता है, एसे टाइप लिखने होती है चीजें, जबकि प्रीलिम्स होता है वो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें टिक मारने वाले होते हैं ओएमआर शीट पे। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ओएमआर शीट पे होंगे एग्जाम। और ये जो मेंस है वो लिखने वाला होगा, और हर एग्जाम मतलब जो पेपर 5 बताए हैं मैंने ऊपर है, वो 5 पेपर 3-3 घंटे होंगे, मतलब टोटल 15 घंटे का एग्जाम होगा मेंस के लिए। कैंडिडेट हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी का है तो हिंदी में लिखेंगे, अगर उनको भाषाओं को छोड़ दिया जाए, भाषाओं के बारे में बात करें तो। उसके बाद मार्च में ये इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू 75 मार्क्स का। तो इसका मतलब मेंस का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स का एग्जाम भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, होता क्या है प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि बाहर होने की संभावना काफी हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है जिस बच्चे का बहुत अच्छी नॉलेज हो उसकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, तो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेंस एक बहुत ज्यादा, मतलब राइटिंग स्किल्स का ही एक्चुअल में एग्जाम है मेंस। जिसकी अच्छी राइटिंग स्किल्स होगी, एबिलिटी होगी कॉम्प्रीहेंड करने की, लिखने की, प्रैक्टिस करेगा ज्यादा, उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो मेंस में ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा, देखिए 600 मार्क्स हैं वो मेंस के हैं। मैं एक यहाँ पे एक भ्रांति और बता देता हूँ कि क्या होती है, और इंटरव्यू कितने हैं, इंटरव्यू है 75 मार्क्स।
अब आमतौर पे स्टूडेंट को आपको देखने को मिला होगा कि आम स्टूडेंट क्या कंप्लेंट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो बच्चा मेंस में अच्छे स्कोर नहीं कर पाया वो बच्चा बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 600 का है और इंटरव्यू तो सिर्फ 10% 12% है। उसमें से अगर आपके 30 मार्क्स आते हैं 40 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 400-500 के आसपास अगर मार्क्स हो तो देखिए डिफरेंस है। वो जो जनरली क्रिएट होता है वो मेंस में कितना स्कोर किया है उसी के दम पे होता है। बाकी तो सब अपने आप को पल्ला झाड़ने के लिए बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू में ये हो गया, मेरे साथ में ये हो गया। तो जो बच्चा मेंस में अच्छा स्कोर करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कोई इंटरव्यू में भी अच्छा करे, क्योंकि एक बहुत अच्छा नॉलेज वाला बंदा कोई जरूरी नहीं इंटरव्यू में अच्छे जवाब दे पाए। तो ये एक अलग स्किल्स है, मेंस की एक अलग स्किल्स होती है और प्रीलिम्स की एक अलग स्किल्स होती है। लेकिन एक भ्रांति होती है कि वो इंटरव्यू में रह गया, एक्चुअल में इंटरव्यू में रहा नहीं, वो मेंस में लोअर आखिर में क्वालिफाई हुआ है, वो उसका रैंक बहुत पीछे था मेंस में, इसलिए उसके रहने की संभावना भी काफी होती है। और जो फाइनल मेरिट होती है वो मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर होती है। तो सिर्फ इंटरव्यू का नहीं होता, मेंस और इंटरव्यू में कितना स्कोर किया है इसके ऊपर वो फाइनल रैंक होगी। और जो सबसे ज्यादा रैंक वाला होगा, सबसे ज्यादा नंबर वाला होगा, उनको जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उनमें जाने का मौका मिलेगा। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पिछले 2014 के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन थे, वो किस किस सब्जेक्ट से कितने आए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने आ सकते हैं। और मैं बीच में ये भी बता दूंगा आपको कि 2011 में हुए उसमें कितने क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि जो हिस्ट्री है, देखो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, मेडिवल से 0 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, ये 2014 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 11, फिजिकल ज्योग्राफी से 18, इंडियन ज्योग्राफी से 8, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1, इकोनॉमिक्स से 8, फिजिक्स से 6, केमिस्ट्री से 6, लाइफ साइंस से 11, इकोलॉजी से 5, जीके से 5, जीके मतलब कि जैसे किताबें हैं या स्पोर्ट्स है, इस तरह की चीजें। करंट है वो 4, हरियाणा से 9 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन। तो पिछली बार देखो 2014 में 9 क्वेश्चन हरियाणा से आए थे, लेकिन 2011 में क्वेश्चन 20 आए थे। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस बार भी हो सकता है कि 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में आए। और यहाँ पे 2011 की बात करूँ तो जो साइंस है उससे 1-2 क्वेश्चन ही आया था, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 25 के आसपास आए थे, लेकिन यहाँ पे देखें हम तो साइंस का रोल काफी ज्यादा आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं ऐसी कोई धारणा न बनाए कि इस सेक्शन से HCS में ज्यादा आते हैं या इस सेक्शन से HCS में ज्यादा आते हैं, ऐसी धारणा आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। आपको क्या करना है कि वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, इकोलॉजी हो, बायोडाइवर्सिटी हो, करंट हो, हरियाणा हो, ये सारे डिटेल में आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई चीज आए तो आप उसमें ये ना हो कि वो पहले ये आया था अब ये आ गया, इस तरह से मेरी तैयारी नहीं है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला, अगला एग्जाम 4-5 साल के बाद हो सकता है। तो इसलिए इसमें कोई कोताही न बरतें और मन लगाकर इसमें पढ़ने की कोशिश करें। मैंने आपको आइडिया दे दिया और जो सीसेट का आइडिया भी आपको उसमें दे दिया था मैंने। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये आते हैं कि देखो यूपीएससी के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, आपको 4 स्टेटमेंट दी होगी, फिर नीचे दे दिया होगा 1-2-3, 1-2, इस तरह से करके स्टेटमेंट दिया होगा। HCS में अभी तक क्या है कि फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी वाज डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इकोनॉमिस्ट, नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूसिंग ये, और स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज रेज्ड बाय, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ये कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिए जो पिछले बार आए थे 2014 में, उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। वो हमारी फ्रंटियर आईएएस की वेबसाइट है balji.com, उस पर भी सारा पेपर एनालिसिस और पेपर मिल जाएगा आपको विद सॉल्यूशन। अब अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप उसको भी ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं इसका एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब देख लेते हैं मेंस में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखो 5 पेपर है मेंस के, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हिंदी का पेपर है 100 नंबर का आता है, 5-15 नंबर का आता है हमेशा, वो आता है हिंदी में अनुवाद करना, इंग्लिश का पैराग्राफ हिंदी में अनुवाद करना होता है, और फिर 10 नंबर का होता है वो 1-3 सारांश लिखना, और एक होता है 5 नंबर का सरल हिंदी में अनुवाद करना, जो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में उस तरह से ये दिया होता है, और उसके बाद में एक ये इनको भी एक्सप्लेन करना होता है, और ये फिर 5 नंबर का होता है विपचार्थक शब्द, विलोम शब्द लिखना, और 5 नंबर का शुद्ध करके लिखना होता है,
कहावतें जो मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं पांच नंबर की आती है, और उसके बाद युग्म दिए होते हैं, दो शब्द दिए होते हैं उनके बारे में अंतर स्पष्ट करने वाला भी पांच नंबर का होता है। ढाई नंबर का एक एक शब्द लिखना होता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द संधि विच्छेद है वो ढाई नंबर की। 30 नंबर का हिंदी में एक एसे लिखना होता है, 30 नंबर का होता है, चार पांच टॉपिक दिए होते हैं उस पे। तो ये है हिंदी का, और इंग्लिश का भी लगभग इसी तरह से है। जैसे कि ये प्रेसी राइटिंग हो गया, एक तिहाई में सारांश लिखना, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके बाद एसे लिखना एक 30 मार्क्स का, 5 नंबर का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद क्या है कि वो रीराइट करना है सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस करेक्शन से रिलेटेड आप बोल सकते हैं इसको, क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड बोल सकते हैं, मेक सेंटेंसेस जो इडियम फ्रेजेस होते हैं उससे रिलेटेड 5 नंबर का, करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस 10 नंबर के, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड 5 नंबर के, इस तरह से पेपर आता है। ये हो गया 100 नंबर का। अब है जीएस से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो जीएस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप बोल सकते हैं यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो काफी लेंथी पेपर होता है, तो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। एक तो काफी क्वेश्चन होते हैं इसमें, और आमतौर पर क्या हरियाणा जीके से रिलेटेड इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं आती मेंस में, वो प्रीलिम्स में कुछ चीजें आ जाती है, और यहाँ पे जनरल सी चीजें पूछी जाती है। आप देख सकते हैं इसको मोटे तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साथ ये इतने क्वेश्चन है, इस पे 40 40 शब्दों में लिखने हैं, उसके बाद के ये हिंदी में भी आता है। उसके बाद देखिए कि ये डिस्कस अबाउट न्यू पेंशन स्कीम ड्रॉइंग कंपेरिजन विद ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि राइटिंग की प्रैक्टिस, और आपको एक अच्छा नॉलेज हो तभी तो प्रैक्टिस लिख पाएंगे, और हर तरह का नॉलेज हो आपको, इसका सिलेबस को लिमिट नहीं कर सकते। इसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं 200 शब्दों में भी लिखने वाले होते हैं, 40 शब्दों में भी लिखने होते हैं, 120 शब्दों वाले भी होते हैं इसमें लिखने वाले, फिर उसके बाद 200 शब्दों में कई टाइप के होते हैं। तो आप इस पेपर को देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन, और काफी लेंथी पेपर होता है ये, आमतौर पे 3 घंटे में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वही पूरा कर पाएगा, और यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। देखिए कितना कितने क्वेश्चन है काफी ज्यादा इसमें दिए हुए हैं, और बहुत ही जनरल टाइप का पेपर है, तो आप बोल सकते हैं मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको इसको कॉम्प्रीहेंड करना लिखना मुश्किल हो जाएगा, और उसमें डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सबके इसी तरह से होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होगा 5 प्रश्न करने हल में सभी के अंक समान हैं, एक अनिवार्य होगा पहला क्वेश्चन, और उसके बाद 2 भाग दिए होंगे उसमें से 2 2 क्वेश्चन करने, मतलब 3 सेक्शन होंगे। पहला कंपल्सरी है जिसमें कि आपको 4 लिखने हैं, और 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 30 नंबर के पहला क्वेश्चन होगा, मतलब कि इन पे लिखना है। उसके बाद भाग 1 होगा, पार्ट 1, इसमें से जो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और 3 में से आपको फिर 2 क्वेश्चन पे लिखना है। ऐसे फिर आगे भाग होगा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 क्वेश्चन पे आपको लिखना है। तो ये इसका पैटर्न होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, कोई भी ऑप्शनल हो, 5 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, करने होते हैं, और आपको च्वाइस भी दी जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे पब्लिक एडमिशन 15-20 दिन या 25 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा सिलेबस है नहीं इसका, छोटा ही सिलेबस होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी और जनरल स्टडी में भी आपने इंडियन पॉलिटी कर ली होती है, तो 60-70% तो उसी से कवर हो जाता है। ऐसे ही सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये भी सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं कि ज्यादातर 70-80% है आप प्रीलिम्स में ही कर लेते हो, तो वो जो रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, अगर वो लेते हैं तो फायदा है आपको। देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में, देखो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में हो सकता है 30 दिन 40 दिन लग जाए, तो इसका मतलब मेंस का टाइम तो फिर आपको 1 महीने बचेगा, तो प्रीलिम्स के इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा आपको मेंस की प्रिपरेशन। और जो आमतौर पर जो स्कोर होता है जो जीएस में प्रीलिम्स में, वो 60% से आपका अबो होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और आपका सीसेट में आपका स्कोर है वो 80% से अबो होना चाहिए। तो इस स्कोर की रेंज में अगर आप स्कोर कर लेते हैं, हालांकि पेपर हुआ नहीं है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ पीछे जो रिकॉर्ड देखकर और यूपीएससी का या बाकी जो स्टेट सर्विस है उसको ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, इस रेंज में आपकी प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। तो आप फिर इमीडिएटली ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जो लिंक बनाए आपके प्रीलिम्स के साथ में, आपकी जनरल स्टडी के साथ में। जैसे हिस्ट्री है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप पूरा लगभग इसका ऑप्शनल का भी ज्यादातर चीजें कवर कर देते हैं, ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरा उसका भी कवर कर लेते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट काफी ज्यादा
ऊपरी होते हैं। आमतौर पर अगर आप लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, तो उसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसका स्टडी मटेरियल मिलना, उसकी प्रैक्टिस करना ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो वेल नोन जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये सोशोलॉजी टाइप के, तो ये बहुत आसान हो जाते हैं इसकी कंटेंट मिलना और प्रैक्टिस करना। कट ऑफ का आइडिया भी मैंने आपको बता दिया है। आमतौर पर अगर टैट ये मेंस की बात करें तो मेंस में 600 में से आपको 450 से आगे स्कोर आपका होना चाहिए, ताकि मेंस और इंटरव्यू का जो टोटल मिले 75 मार्क्स में, आपको यहाँ पे 40 भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आपका स्कोर आ जाता है, दोनों को मिलाकर अच्छी मेरिट बन सकती है। अब देख लेते हैं कि फ्रंट ईयर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग जो हम सपोर्ट कर किस रूप में कर सकते हैं। हम लोग इन डेप्थ स्टडी करवाएंगे आपकी ऑनलाइन, हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो और एचसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप कर सकते हैं। चाहे आप बॉम्बे में हो या हैदराबाद में हो, आप फ्रंट ईयर आईएएस को ज्वाइन कीजिए और डे वाइज शेड्यूल को फॉलो कीजिए जैसे हम बता रहे हैं उसको, और हर वीडियो इसके हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, और भी कुछ वीडियो बनाने हैं हमें, जिससे कि आप अगले 2.5 महीने में अच्छी तरीके से तैयारी की जा सके। तो वीडियो मिलेंगे, लगभग 1000 से ज्यादा पीडीएफ होंगे, हर टॉपिक का कंटेंट होगा, एमसीक्यू होगा हर टॉपिक पे, और उसके बाद 20 टेस्ट जनरल स्टडी जीएस के होंगे, 20 टेस्ट सी सेट के होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्यूरी बॉक्स पे आप ईमेल डाल सकते हैं, वहां से हम आपको रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम रिप्लाई करेगी। तो ये प्रिपरेशन का हमारा मॉड्यूल रहता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, डे वाइज शेड्यूल की, अगर आप 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी टॉपिक पे, आप वीडियो पे क्लिक करते हैं या डेली टेस्ट पे क्लिक करते हैं या वीडियो इसके सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं या पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, किसी भी टॉपिक जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या फिर जो भी 3-4 सब्जेक्ट पहले लेकर चलेंगे, तो आप उस पर आपको वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। इस तरह से डे वाइज शेड्यूल हमने बनाया हुआ है और अगले 2.5 महीने का, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक ढंग से आप कर पाएं और कोई चांस नहीं मिले कि अननेसेसरी आप मार्केट में किताबों के चक्रों में पड़ जाएंगे या फिर और कहीं यूट्यूब में चक्र में पड़ जाएंगे। तो इससे क्या, टाइम वेस्टेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मैटर करता है, ये कोई ये पुलिस वाला एग्जाम नहीं है, क्लरिकल का एग्जाम नहीं है, रेलवे का एग्जाम नहीं है, एक सीरियस एग्जाम है और इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट है, एप्लीकेंट जरूर अपीयर होंगे। तो आप उस एग्जाम को एक हल्के में न लें। फी स्ट्रक्चर क्या है, प्रीलिम्स की 12,000 है और कंप्लीट प्रिपरेशन है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, 25,000 रुपये है, आपको ये सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग से मेंस का लेंगे तो उस टाइम में इसकी फीस है काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना होगी। तो इसमें ऑप्शनल में हम जो सब्जेक्ट कवर कराएंगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी होगी, और प्रीलिम्स पूरा कंप्लीट है, जीएस और सी सेट करवाएंगे इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, इसमें भी टेस्ट सीरीज होगी, राइटिंग हम प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंटीग्रेट एचसीएस और आईएएस, अगर कोई आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, एज कम है, 35,000 इसकी टोटल फीस होगी, तो ये काफी आपको अच्छा कोर्स हो जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना है, फ्रंट ईयर आईएएस की वेबसाइट है baljeetdhaka.com, ये मेरे नाम से ही साइट है। आप इस पे जाकर यहाँ पे कोर्सेज पे जा सकते हैं या राइट हैंड पे प्रोडक्ट लिखे हैं वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से आप जब कोर्सेज पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आपको कंटेंट मिले, ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। वहाँ से जाकर आप जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट भी गेटवे पे ले जाएगा, आप नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। 9 बजे से 5 बजे के बीच में हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप भले ही रात को खरीदें, रात को भी खरीद सकते हैं, आप कभी भी खरीद सकते हैं उसको, लेकिन जो वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे, जिसमें हम लोग रिस्पांस देते हैं या कंटेंट भेजते हैं, ईमेल के जरिए आपके पास सारे लिंक आएंगे, पूरा कार्ड आएगा जिस कार्ड के अंदर सारे लिंक होंगे, वीडियो वगैरह पीडीएफ के इस तरह के लिंक होंगे, और जो भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे वो अपडेट होते जाएंगे उसमें। तो वो हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 से 5 बजे का होता है। और यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, सारा चीजें हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख से जो चीजें हम स्टार्ट कर रहे हैं आप उसका एक हिस्सा बनिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाए। डो नॉट मिस द चांस, दिस एग्जाम इज आफ्टर 4 ईयर्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन विल इट बी, कब होगा पता नहीं है किसी को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।